Real News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं फराज अहमद। और मैं हूं सुमैया रिजवान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। निगरान का ऐलान, इंतखाबात 90 दिन में नामुमकिन। और नन्ही बच्चियां बड़ा जुल्म। बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि 9 मई के वाकयात से मायूसी हुई। क़दामत पसंद रुझानात की भी हौसला शिकनी करना होगी। रियासत अक़लियतों को नुकसान पहुंचाने वाले अनासर के साथ नहीं। काबीना इजलास में निगरान वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि माशी मसाइल के हल के लिए बेहतरीन इकदाम करेंगे, IT सेक्टर को फ़रोग देंगे। उन्होंने कहा कि मुल्की और गैर मुल्की सतह पर किए गए वादों को पूरा किया जाएगा। हम कोशिश कि कोई फाउंडेशंस ले करें वेयर वी हैव सेंस ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल कमिटमेंट्स। मे बी इट इज़ फॉर अ मंथ, 2, 3, आई डोंट नो, और 3.5, वट एवर द एलोकेटेड टाइम इज। वी विल डेमोन्स्ट्रेट नॉट थ्रू आर वर्ड्स बट थ्रू आर एक्शंस। द माइनॉरिटीज इंशाल्लाह विल स्टे प्रोटेक्टेड इन दिस कंट्री। There may be an attempt to harm them from a section of marginalized and peripheral group of people, but that would be responded sternly and strictly by the state and society both. नवे रोज में आम इंतखाबात नहीं करा सकते। इलेक्शन कमीशन ने हाथ खड़े कर दिए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नई मर्दमशुमारी के तहत इंतखाबी हल्का बंदियों पर काम शुरू कर दिया है। इसे मुकम्मल होने में 4 माह लगेंगे। नई हल्का बंदियों के लिए सूबाई हुकूमतों और इदारा शुमारियात से मुआवनत तलब कर ली है। आम इंतखाबात आइंदा साल फरवरी या मार्च में होने का इम्कान है। मुकर्रा मुद्दत में इंतखाबात खटाई में पड़ गए। इलेक्शन कमीशन ने हाथ खड़े कर दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें आइंदा आम इंतखाबात और नई मर्दमशुमारी के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में इंतखाबी हल्काबंदियों का काम 4 माह में मुकम्मल करने का फैसला किया गया, जिस पर काम फौरी शुरू हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्काबंदियाँ 14 दिसंबर को मुकम्मल होंगी, जबकि पुरानी हल्काबंदियों को मुंजमद कर दिया गया है। 21 अगस्त को चारों सूबों और इस्लामाबाद के लिए कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। मुल्क भर में 8 सितंबर से 7 अक्टूबर तक हल्काबंदियाँ की जाएंगी। हल्काबंदियों के खिलाफ अपीलें 10 अक्टूबर से 8 नवंबर तक की जा सकेंगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 9 से 10 दिसंबर तक एतराज़ात दूर किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्काबंदियों की हतमी अशात 14 दिसंबर को की जाएगी। हल्काबंदियों का काम मुकम्मल होने के फौरी बाद इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। और निगरान हुकूमत का बुनियादी काम आजादाना और शफाफ इंतखाबात करवाना है। इलेक्शन कमीशन कहे तो कल इंतखाबात करा देंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने यह बताया कि पहला वोट और उनकी काबीना कास्ट करेगी। निगरान वज़ीर तलात मुर्तज़ा सोलंगी की पहली न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि जब तक रहेंगे अपनी आइनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे, तवज्जो मुल्की मईशत पर रहेगी। IMF प्रोग्राम के तहत बहुत ज़्यादा सब्सिडी नहीं दे सकते। निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए भरपूर तआवुन करेगी। अगर इलेक्शन कमीशन कल कहेगा कि 90 दिन में इलेक्शन कराएं, तो हम 1 घंटा 1 मिनट अपनी इस कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने फरमाया कि इलेक्शन वाले दिन पहला वोट मैं और मेरी काबीना कास्ट करेगी। उस बुनियादी काम को आइन और कानून की नज़र में जो हमारी जिम्मेदारियाँ हैं, हम पूरी करें। ग्राम हुकूमत की तवज्जो मुल्क की मईशत पर रहेगी। हमने कुछ वादे वईद किए हैं IMF के साथ, कुछ कमिटमेंट्स की हैं। ये भी शामिल है कि हम बहुत ज्यादा सब्सिडीज ना दें। इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। हमारा काम मुआवनत करना है। किसी गैर कानूनी गैर आइनी अमल का हिस्सा नहीं बनूंगा निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाखर ने वाजे कर दिया। मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आला ने कहा कि अभी से इलेक्शन इल्तवा के खदशात क्यों पालें। इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं करना चाहते। एहतसाब सबका होना चाहिए, लेकिन नेक नीयत होना चाहिए। आइन की बालादस्ती से ही बेहतरी आएगी। ना सियासी दबाव होगा, ना ही कबूल किया जाएगा
निगरान काबीना मुख्तसर होगी। मुशावरत जारी है। निगरान वज़ीर-ए-आला ने कहा कि जड़ांवाला वाक़े के जिम्मेदारों ने मुल्क की बुनियादों में बारूद भरने की कोशिश की। कराना उसके तारीख का तय इलेक्शन कमीशन का काम है। हमारा फ़र्ज है कि हम उन्हें उनकी मुआवनत करें, लेकिन यकीनी तौर पे किसी गैर आइनी और गैर कानूनी अमल का हिस्सा मैं नहीं बनूंगा। भी हम क्यों बेबुनियाद खदशात को पालें? अगर आइन और कानून की बालादस्ती होगी और हुक्मरानी होगी, बेहतरी खुद ब खुद आएगी। कोशिश हमारी होगी कि बहुत तवील केयरटेकर गवर्नमेंट ना हो। इसको आग लगाना बाजार से खुद इंतहाई काबिल मजम्मत अमल है। आपने मुल्क की बुनियादों में आग भरने की कोशिश की। और निगरान वजीर आला बलोचिस्तान के तकर्रुर के मामले पर बिल आखिर ब्रेक थ्रू हो गया। हुकूमत और अपोजिशन सरदार अली मर्दान की मर्दान डोमकी के नाम पर मुत्तफिक हो गए। गवर्नर बलोचिस्तान ने स्पीकर की तरफ से इरसाल होने वाली असेंबली पर दस्तखत कर दिए। अली मर्दान डोमकी आज शाम 7 बजे ओहदे का हल्फ उठाएंगे। नामजद वजीर आला वजीर आजम हाउस पहुंच गए। वजीर आला का प्रोटोकॉल भी दे दिया गया। इससे कबल अली मर्दान डोमकी की निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात भी हुई। अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अली मर्दान डोमकी की निगरान वजीर आला नामजदगी को तस्लीम करता हूँ। जे ओ आई समेत किसी सियासी जमात से कोई गिला नहीं। वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो का नामजद वजीर आला पर तबसरा। कहा कि नामजदगी के लिए अक्सरियती फैसला नहीं, कमेटी का इतफाक़ ज़रूरी था। फैसले को किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं करूँगा। उम्मीद ये करता हूँ कि अली मर्दान सूबे और आवाम के लिए बेहतर साबित होंगे। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि निगरान काबीना बेहतर है, अल्लाह ताला खैर करेगा। बैरून मुल्क जाने की खबरें गलत हैं। इसहाक़ डार ने कहा कि मुल्क में ही हूँ, मीडिया बात को क्लियर करे। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं कि जड़ांवाला में जलाओ घेराव के वाकयात में नुकसानात की रिपोर्ट तैयार कर ली गई। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक शहर में 19 चर्च जलाए गए, 86 मकानात की तोड़फोड़ और नजर आतिश किया गया। अखिलती रहनुमा सैम्यूल प्यार ने जड़ांवाला वाकये पर नोटिस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी। मुतफरिक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में अकलियतों के हकूक से मुतालिक केस में जमा कराई गई। अदालत से इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट जड़ांवाला में हुए सफाक वाकये पर नोटिस ले। सानेहा जड़ांवाला, जलाओ घेराव के वाकयात में नुकसानात की रिपोर्ट तैयार। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक जलाओ घेराव के वाकयात में 19 चर्च चलाए गए, पुरतशद्दुद मुजाहिरों में कुल 86 मकानात की तोड़फोड़ की और नजरआतिश किया गया। क्रिश्चियन कॉलोनी, ईसा नगरी, मोहल्ला कैंप और टेलीफोन एक्सचेंज के करीब अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। दूसरी तरफ अकलियती रहनुमा सैम्यूल प्यारे ने जड़ांवाला वाकये पर नोटिस के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी। मुतफरिक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में अकलियतों के हकूक से मुतालिक केस में जमा कराई गई। अदालत से इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट जड़ांवाला में हुए सफाक वाकये पर नोटिस ले। दरख्वास्त में उनका कहना था कि जड़ांवाला में 16 अगस्त को मजहबी और आग समेत मसीही इबादतगाहों को नजर आतिश किया गया। अदालत दरख्वास्त मंजूर करते हुए केस समाअत के लिए मुकर्रर करे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम सानह जड़ांवाला पर इजहार अफसोस के लिए कराची में मसीही रहनुमाओं के पास पहुंचे और उनसे इजहार यकजहती किया। हाफिज नईम का यह कहना था कि सानह पर हम सब के दिल दुखी हैं। किसी शरपसंद को अकलियती बिरादरी को दरबदर करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब ने उन वाकयात की पुरजोर मजम्मत की है और पूरी जमात इस्लामी नहीं, पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त अपने उन मसीही भाइयों के साथ हैं कि जो निशाना बने हैं एक ऐसे मॉब का कि जिसने बिला तहकीक एक एक्शन लिया और चर्चिस को जलाया या घरों को नजर आतिश किया। किसी भी सूरत में इसको कबूल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसका एक दस्तूर है और इस दस्तूर में ये बात बहुत वाज़े तौर पर मौजूद है। प्रैक्टिस करेगा, दस्तूर की अमलदारी होगी, वहाँ अकलियतों का तहफ्फुज होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी सानह जड़ांवाला पर इजहार अफसोस के लिए सेंट पैट्रिक चर्च पहुँच गए। सईद गनी का कहना था कि वाकये पर इंतहाई अफसोस है, ऐसे वाकयात इस्लाम की तालीमात के खिलाफ हैं। उन्होंने मुलजमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। चंद गुमराह लोगों की वजह से ये वाकया हुआ है कि ये वाकया चंद लम्हों में नहीं हुआ, इस वाकये को स्नैच तक पहुंचने में कुछ वक्त लगा है।
लेकिन वहाँ जो पुलिस थी शायद उसका वो किरदार नहीं था जो होना चाहिए। मुझे याद पड़ता है हैदराबाद में इस किस्म का वाक्य होने लगा था, वहाँ भी मजमा इकट्ठा हुआ, लेकिन वहाँ पुलिस और रेंजर्स ने बर्बाद कार्रवाई की और इस किस्म के किसी वाक़े से उन्होंने सूबे को मुल्क को बचा लिया। तो अगर कार्रवाई शायद लॉ इन्फोर्समेंट इदारे कर लेते तो मुमकिन है कि ये वाक़ रूनुमा ना होता और हम इससे बच जाते जो कुछ जिसका सामना हमें और पूरे मुल्क को करना पड़ा है। जो तहकीकात हो रही हैं मैं ये ज़रूर मुतालबा करूँगा कि उसमें वहाँ की जो पुलिस थी उसका जो किरदार था उसको भी ज़रूर सामने रखा जाना चाहिए। और खबर है कि अदालती हुकुम के बावजूद चौधरी परवेज इलाही को FIA कोर्ट पेश न करने पर IG पंजाब होम सेक्रेटरी और IG जेल खाना जात पर जुर्माने और शो कॉज नोटिस पर अमल दरामद मौसल करने की कोशिश कर दी गई। दौरान समाअत लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही के वकील आमिर सईदरा को वकालतनामा जमा कराने की मोहलत दे दी। वकील हुकूमत पंजाब का कहना था कि ट्रायल कोर्ट ने जुर्माने की रकम अफसरान की तनख्वाहों से काटने का हुक्म दिया। ट्रायल कोर्ट ऐसा हुक्म जारी करने का कानूनी इख्तियार नहीं रखती। अदालत जुर्माना और शो कॉज नोटिस का लदम करार दे। अदालत ने केस की मजीद समाअत गैर मुयना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। पैनामा GIT रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 जारी करने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर अकबंदियाल की सरबराही में दो रुकनी बेंच 22 अगस्त को समाअत करेगा। अदालत ने अटॉर्नी जनरल समेत दीगर नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर नायब सदर नून लीग मरियम नवाज और साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्ला की जमानत मंसूखी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस दयाल की सरबराही में दो रुकनी बेंच 22 अगस्त को जमानत मंसूखी की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस अतर मिनल्ला भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में साबिक चेयरमैन LDA और वजीर अजम के साबिक मुशीर अहद चीमा की जमानत मंसूखी की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। नैब ने अहद चीमा पर मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासों का इल्जाम लगाया है जिसमें जमानत मंसूखी की दरख्वास्तें दायर की गई हैं। और अब खबर शामिल करेंगे कि MQM पाकिस्तान के रहनुमा कवर नवीद जमील को कराची में डिफेंस फेज 1 कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा और तदफीन में गवर्नर सिंध कामरान खान, साबिक वजीर आला मुराद अली शाह, कन्वीनर MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और दीगर ने शिरकत की। कवर नवीद ब्रेन हेमरेज के बाद कई हफ्तों से जेर इलाज थे। मुझ पर गर्म पानी फेंका गया और जिस्म भी जलाया जाता, कुत्तों को भी छोड़ा गया। तशद्दुद का शिकार होने वाली एक और 13 साल घरेलू मुलाजमा ने अपने ऊपर हुए जुल्म की कहानी सुना थी। बच्ची के मुताबिक मालकिन जुल्म के पहाड़ तोड़ती। मामू ने बदतमीजी की, मालकिन को बताया तो मुझे उल्टा मारा। डरी हुई थी, किसी को कुछ नहीं कह सकती थी। रिजवाना, फिर फातिमा और उजाला, अब अनली फातिमा और ना जाने कितनी और। घरेलू तशद्दुद का शिकार एक और बच्ची सामने आ गई। इस्लामाबाद की 13 साला अनलीब इंसानियत सोच तशद्दुद का निशाना बनाई गई। मुलजमा जैतून और समरा ने जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। टांगों पर जलने के निशानात, पेट और चेहरे को भी जख्मी किया गया। बच्ची ने आपबीती सुना दी। मैं वहाँ पे काम करती थी, मेरे पर वो जुल्म करते थे, मुझे गर्म पानी फेंकते थे मेरे ऊपर, मुझे गर्म चम्मच लगा के मुझे जलाते थे, मुझे हैंगर से मारते थे, उनके बच्चे भी मारते थे और उन्होंने मेरे ऊपर डॉग्स भी छोड़े हैं। 2 दफ़ा अपने डॉग्स उनके थे, वो भी 2 दफ़ा छोड़े हैं मेरे ऊपर। मासूम ने मजीद बताया कि बच्चों के मामू ने बदतमीजी की तो इन्हें रोका, जब मालकन को बताया तो उन्होंने उल्टा मारा। और उनके मामू जो थे वो भी मेरे साथ ऐसे ही बदतमीजी करते थे, वो भी 1-2 दफ़ा उन्होंने बदतमीजी करने की कोशिश की पर मैंने उन्हें डांटा तो बाजी ने मुझे इतना मारा है उनकी वजह से भी कि तुम्हें उन्हें मतलब क्यों उनसे ऐसे बदतमीजी से बात की है। बच्ची पर तशद्दुद करने वाली मुलजमा जैतून ने 50,000 रुपए के मशनकों के अवज अदालत से जमानत मंजूर करा ली है। मुतासरा बच्ची के वालदे ने मालकन के खिलाफ थाना ततनौल में मुकदमा दर्ज कराया था। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट नौशर फिरोज ने पीर के तशद्दुद से जाम बहक फातिमा की कब्र कुशाई की इजाज़त दे दी है। अदालत ने सिविल जज कंडियारो को मजिस्ट्रेट मुकर्रर किया है कि मां ने कहा है कि पीर सैयद फयाज बड़ा बाअसर है, वो लाश निकालकर गायब करवा देता है, इसलिए पुलिस ने वहां पर पिकेट कायम कर दी है। बाकी बच्चियाँ सैयद फयाज की हवेली में कैद हैं, उनको भी फौरी तौर पर बाजियाब करवाया जाए। और रानीपुर पीरों की हवेली में फातिमा फरड़ो की मौत का मामला। रानीपुर पीरों की हवेली से फरार होने वाली एक और मुलाजमा
सानिया का बयान भी सामने आ गया। हवेली की मुलाजमा सानिया ने अपने दूसरे बयान में कहा कि मासूम फातिमा पर पीरनी हिना शाह आए रोज तशद्दुद करती थी। फातिमा को बालों से पकड़कर गला दबाना और बेरहमाना तशद्दुद करके उसके बाजू कमर पेट पर लातों मुक्कों से बेदर्दी के साथ तशद्दुद करना मामूल था। 3 दिन से हिना शाह ने खाना नहीं दिया, बच्ची को पानी पीने तक नहीं दिया गया। तबीयत नासाज होने पर डॉक्टर को हवेली में उसका चेकअप कराया गया। उसके पेट में शदीद दर्द और जख्मों की अद्वियात दी गई, लेकिन जालिम पीरनी हिना शाह का जुल्म जारी रहा। बच्ची पानी के लिए तड़पती रही, लेकिन मासूम बच्ची को मौत के वक्त तक पानी ना दिया गया। नन्हे कली बेरहमी से मसली गई। बहिमाना तशद्दुद का शिकार रिजवाना ने खुद पर टूटे जुल्म की दास्तान सुना थी। इस्लामाबाद पुलिस को बयान रिकॉर्ड कराया, बताया कि मुलजिमा सोमिया डंडों और लोहे की सलाखों से मारती थी, बाल पकड़कर सर मारती थी। पुलिस जराए के मुताबिक मजलूम बच्ची ने यह बताया कि जज फैमिली समेत बाहर जाते तो हफ्ता हफ्ता मुझे घर में बंद रखा जाता था, माँ बाप से मिलने की इजाजत भी नहीं थी। और अब बात करते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों की। तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। गुज़िश्ता हफ्ते महंगाई में 0.78% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते रिकॉर्ड 32% की कीमतों में इजाफा हुआ। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी। दालें, चावल, मुर्गी, अंडे समेत मुतअद्दिद जरूरी अशिया मजीद महंगी हो गयी। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते रिकॉर्ड 32 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। गुज़िश्ता हफ्ते महंगाई में इजाफे की शरह 0.78% रही। पिसुही मिर्च फी किलो 145 रुपए महंगी हो गयी। चावल फी किलो 12 रुपए महंगे हुए। लहसुन, चीनी, मुर्गी, अंडे भी 5 रुपए से जायद महंगे हो गए। दाल माश 13 रुपए, दाल मूंग 6 रुपए महंगी हुई। ब्रांडेड घी समेत 7 अशिया की कीमतों में मामूली कमी भी हुई। पिशावर में जमात इस्लामी ने 5 मुख्तलिफ मकामात पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया, जिसमें हुकूमत की जानिब से कीमतों में इजाफे को वापस ना लेने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया गया है। इस बारे में मजीद बता रहे हैं वो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद, बताइएगा। कीमतों में इजाफे के खिलाफ आज जमात इस्लामी पिशावर के 5 मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज कर रही है। हमारे साथ जमात इस्लामी के जिली रहनुमा मौजूद है सिराजुद्दीन, इनसे बात करते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत में होशरबा और ये इजाफे के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में एहतजाज का ऐलान किया है। इस सिलसिले में पूरे पिशावर में 5 मकामात पर यह एहतजाज जारी है और मौजूदा निगरान हुकूमत ने हल्फ पड़ते ही पेट्रोल और डीजल में जो इजाफा किया है पिछले 15 दिनों में 37 रुपए। नुमान, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी और एशिया की दूसरी बड़ी सांप और कुत्ते के काटने की वैक्सीन बनाने वाली लेबॉरेटरी गुज़िश्ता कई सालों से माली मुश्किलात से दोचार है। खुराक की कमी के बायस तजुर्बात के लिए रखे गए जानवर मरने लगे हैं। लेबॉरेटरी की क्या सूरत हाल है, वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे मंजूर अहमद से। जी मंजूर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं एंटी स्नैक विनोम एंड एंटी रेबीज सेरोलॉजी लेबॉरेटरी सकरण में मौजूद हूँ, जहाँ पे ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जो जानवर है वो जो है भूख और प्यास से मर रहे हैं। इस वक्त इसकी क्या सूरत हाल है, सकरण के मकामी शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आज आप सकरण में जहाँ पर खड़े हैं, ये एशिया की दूसरी बड़ी लेबॉरेटरी है जहाँ सांप और कुत्ते के काटे की वैक्सीन बनाई जानी थी और सिंध हुकूमत। बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। रुपए पैसों पर झगड़ा तो कभी इख्तियारात की जंग। करदम टीटीपी के खवारिज आपस में लड़कर मरने लगे। महसूद ग्रुप के कारिंदों ने असद आफरीदी के ठिकाने को निशाना बनाया। रुपए पैसों पर झगड़ा और इख्तियारात की जंग, करदम टीटीपी के धड़े टूट फूट का शिकार।
नूर वली महसूद ग्रुप ने खोस्त में गुल बहादुर ग्रुप पर हमले के बाद जमात उल अहरार पर वार किया। नूर वली महसूद ने असद आफरीदी और गिला सैफुल्ला हमले के बारे में TTP के राज अफशा करने पर विलायत के मनसब से फौरी हटा दिया था। बाद में मुख्तलिफ बयान जारी करने पर नूर वली महसूद ने असद आफरीदी के सर की कीमत मुकदर की। कल्लाद महसूद ग्रुप के कारिंदों ने असद आफरीदी के ठिकाने को निशाना बनाया। दोनों ग्रुहों में झड़प के दौरान मुतअद्दिद दहशतगर्द शदीद जख्मी भी हुए। जमात उल अहरार के कमांडर ने सरवकफ मेहमान और उमर खालिद खुरासानी कत्ल का जिम्मेदार भी नूर वली महसूद को करार दिया था। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद, बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न, बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। 76वें में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान, ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।